हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आप ऐसे समझ सकते हो कि आज से आपका प्रॉपर सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अभी तक हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे सब्जेक्ट का, आज हम सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड दैट पार्ट इज ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो मैंने पहले भी आपको बताया है इसके बारे में कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना ही है ज्योमेट्रिक डिजाइन पर। तो पहले एक इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि होता क्या है ज्योमेट्रिक डिजाइन, और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात अगर हम करें, एक हाईवे पर या एक रोड पर जो भी फिजिकल एलिमेंट्स का मतलब जिनको आप देख पा रहे हो, ठीक है, उनकी डिजाइनिंग के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन एक हाईवे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ने का फायदा क्या है, क्यों ज्योमेट्रिक डिजाइन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसका रीजन है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन की हेल्प से आप हाईवेज को, पेवमेंट्स को सेफ बना सकते हो, फिर एफिशिएंट बना सकते हो और इकोनॉमिकल बना सकते हो। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन आप जितना ध्यान से पढ़ोगे आप उतना ही अच्छा एक हाईवे को बना पाओगे। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अभी नोट के थ्रू थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन पे मैंने आपको पहले भी एक बारी थोड़ा सा बताया, फिर से अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से दिस इज जीडी ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन की डेफिनेशन क्या है, इसकी आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? सो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ all the physical elements available on a highway. अब physical elements का मतलब फिर से समझ लीजिए, जिनको आप देख पा रहे हो। geometric design में बेटा पांच चीजें आएंगी। तो एक तरीके से geometric design का syllabus है। सबसे पहले आएगा cross section elements, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ये एक रोड का प्लान है, टॉप व्यू है ये। अब आपने एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर करा। अब इस क्रॉस सेक्शन पर आपको जो जो चीजें दिख रही हैं, जो जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो आ जाएंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पर। इसके बाद आएगा साइड डिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया था कि एक ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा साइट विजिबल होनी चाहिए हाईवे पर, ताकि एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सके। फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो हम बोलते हैं मोड़ है, राइट में टर्न होना है, लेफ्ट में टर्न होना है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब जब आप एक फ्लाईओवर पे मान लीजिए जा रहे हैं, ठीक है, या जब आप एक नीचे आ रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था जैसे लेक के आसपास आप देखते हो टेरेन का बड़ा फर्क पड़ता है, तो वहां पर जब आप नीचे जा रहे हो कर्व्स में ऊपर जा रहे हो, वो वर्टिकल अलाइनमेंट में आ गया। एंड लास्ट इज इंटरसेक्शंस, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के नोट्स हैं, ठीक है। वंस द क्लास इज फिनिश्ड मैं ये आपके जो आईसीई की ऐप है उस पर आ जाएंगे ये नोट्स, ठीक है। तो आप इनको ग्रेजुअल स्टडी करो। तो नोट्स आपके पास है, वीडियोस आपके पास है, हेडफोन्स ईयरफोन्स लगाइए, नोट्स भी देखते रहिए और लूप में चला दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट को ग्रास्प कर लोगे। तो आप ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, सो इट इज द ब्रांच ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग विच इज concerned with the positioning of physical elements of the roadway according to the standards and constraints. Geometric design highway engineering ki wo branch hai
जहां पर आप फिजिकल एलिमेंट्स की पोजिशनिंग, कि कहाँ पर फिजिकल एलिमेंट रखना है, उसकी हाइट विड्थ ये सब चीजें कितनी होनी चाहिए, इस बारे में पढ़ते हो। ज्योमेट्रिक डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो ट्रेवलर है, जो कम्यूटर है, जो चल रहा है, उस जो यूज कर रहा है उस हाईवे को, उसकी सेफ्टी को आप मेंटेन कर पाओ। सेफ्टी भी आपको रखनी है और इकोनॉमिकल भी आपको हाईवे को बनाना है। सो ज्योमेट्रिक डिजाइन डील्स विद द डायमेंशंस एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे। जो भी आप हाईवे के फीचर्स देखते हो, उनकी डिजाइनिंग, कैसे उसको डिजाइन करना है, कितना रखना चाहिए उनको, और उसके बाद उनके लेआउट की आप स्टडी करते हो। इट एम्फेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ड्राइवर एंड द व्हीकल सच एज सेफ्टी, कंफर्ट, एफिशिएंसी। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है उसका रोल है कि ड्राइवर और व्हीकल की सेफ्टी मेंटेन रहे, कंफर्ट मेंटेन रहे, एफिशिएंसी मेंटेन रहे। देखिए, कंफर्ट ड्राइविंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप मान लो ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, बीच में बम्प्स आ रहे हैं, गड्ढे जिसको आप बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा कर्व आ रहा है कि आपको स्टीयरिंग पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो दिस मेक्स द राइड अनकंफर्टेबल। तो राइड को कंफर्टेबल बनाना भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइड को सेफ्टी भी हमें पूरी देनी है और राइड को इकोनॉमिकल भी बनाना है। इन तीनों चीजों को अगर बनाना है तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? सो द फिजिकल एलिमेंट्स कंसिडर्ड इन ज्योमेट्रिक डिजाइन आर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कर्व्स, इंटरसेक्शंस। इनमें आप ये कह सकते हो कि जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स वाला पार्ट है ये थोड़ा थियोरिटिकल है, इसमें कुछ कोड्स हैं जो याद करने पड़ते हैं, और जो बाकी के चार पॉइंट्स रह गए वो फोर है न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उनके लिए हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जो थ्योरिटिकल बेस्ड है उनके थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। द डिजाइन ऑफ दीज फीचर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में पढ़ते हो बेटा, तो कुछ पैरामीटर्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैं लगातार एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि आपको भोपाल से इंदौर एक हाईवे बनाना है, तो आपके पास पहले कुछ सर्टेन डेटा होना चाहिए, तभी आप उस चीज को प्लान कर पाओगे। तो जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में पढ़ते हो तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये फैक्टर्स देखिए क्या है, ये चार फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट इज ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, भी बताऊंगा मैं क्या है, टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स and environmental and aesthetic factors. Just give me a minute. Sorry बच्चों, थोड़ा सा अभी एक disturbance आई तो थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा door. Today is good weather in Delhi. भयानक गर्मी थी, आज मौसम अच्छा है तो दरवाजा खोला, शोर, हवा और शोर दोनों एक साथ अंदर आए, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अब देखिए ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको भोपाल से इंदौर के लिए हाईवे बनाना है, आपको क्या पता करना पड़ेगा कि भाई जो ट्रैफिक है उसकी वॉल्यूम कितने, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कितनी नंबर ऑफ लेन्स चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो कर रहा है तो आपको नंबर ऑफ लेन्स बढ़ानी पड़ेंगी, और ट्रैफिक अगर कम है तो आप नंबर ऑफ लेन्स कम कर सकते हो। तो जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिन दो चीजों के बीच में आप हाईवे को दे रहे हो, एक रोड या पेवमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, वहां पर ट्रैफिक कैसा है, ट्रैफिक को किस स्पीड से मूव कराना है, कितना ट्रैफिक मूव कराना है, ये पता होना चाहिए, तभी तो आप ज्योमेट्रिक डिजाइन कर पाओगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब आप एक बीम को डिजाइन करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीम पर लोड कितना लगेगा, तभी तो आप बीम की थिकनेस, बीम की लेंथ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ पाओगे। तो वो कैरेक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन को, उसमें सबसे पहला आ जाता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं को अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स, टेरेन मतलब जहां आप हाईवे बना रहे हो वो पहाड़ी इलाका है या वो प्लेन का इलाका है या समवेयर लाइज इन बिटवीन, क्योंकि टेरेन के बेसिस पे, टेरेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहाड़ों पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है, पहाड़ों पे आपने 6 लेन 8 लेन बड़ा कम सुना है, क्यों, क्योंकि वहां पे पहाड़ को काटना, लेबर को पहुंचाना, मशीनरी को पहुंचाना आसान नहीं है।
तो ज्योमेट्रिक डिजाइन इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह अपने हाईवे को बनाना चाहते हो। तो अभी तक दो फैक्टर्स पड़े कि जो ट्रैफिक मूव कर रहे हैं उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कितनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स वहां से गुजरेंगे, किस स्पीड से गुजरेंगे। फिर टेरेन करेक्टरिस्टिक्स आया कि जिस जगह आप बना रहे हो उस जगह की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, समवेयर लाइज इन बिटवीन। थर्ड इज व्हीकुलर करेक्टरिस्टिक्स। देखिए व्हीकल करेक्टरिस्टिक्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, व्हीकल की लेंथ, व्हीकल की हाइट और व्हीकल की विड्थ। देखिए जो व्हीकल की विड्थ है ये पेवमेंट, पेवमेंट मैंने आपको बताया अभी था जिसपे एक्चुअल मूवमेंट होता है, उसकी विड्थ को डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि जो सबसे वाइड व्हीकल है उसकी विड्थ कितनी है तो आप पेवमेंट की विड्थ को डिसाइड कर सकते हो। अब आपने मान लो पेवमेंट की विड्थ दी 2 मीटर, आपने बोला अरे बाइक तो बहुत वाइड तो होती नहीं है, 2 मीटर दे दो आराम से पल्सर और ये सब बाइक्स निकल जाएंगी। अब वहां पे एक ट्रक आ गया जिसकी विड्थ है 2.5 मीटर, तो ट्रक तो अटक जाएगा। तो जो भी लार्जेस्ट है, जब जो सबसे वाइडेस्ट व्हीकल है उसके हेल्प से आप पेवमेंट की विड्थ डिसाइड करते हो। तो व्हीकल का इंपॉर्टेंस आ गया यहाँ पर। फिर व्हीकल की जो हाइट है वो डिसाइड करती है कि जो आप ऊपर से फ्लाईओवर निकाल रहे हो उसकी हाइट कितनी होगी। तो व्हीकल की हाइट के हेल्प से आप ज्योमेट्रिक डिजाइन में एक फ्लाईओवर के बारे में या जो अंडरपास होता है उसके बारे में पढ़ते हो। कितनी बार ही आप वीडियोस में देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि ट्रक अंडरपास से या ट्रक फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा था, ट्रक का ऊपर वाला पार्ट फ्लाईओवर से ही टकरा गया। तो जो ट्रक की हाइट है वो जो फ्लाईओवर्स हैं और अंडरपास है उनकी हाइट को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है। ट्रक की जो लेंथ है अभी आप थोड़े टाइम में पढ़ोगे, वो ओवरटेकिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप ये सोचो आप एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, आप एक कार में हो, आपके पास लेट्स से होंडा सिटी है और आपने होंडा सिटी को ओवरटेक किया। अब इस होंडा सिटी की जगह आप एक बस को रख दो तो ऑब्वियसली ओवरटेकिंग में अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम सभी व्हीकल चलाते हैं, एक लंबे व्हीकल को ओवरटेक करने में मेहनत ज्यादा है। तो यहां पर किसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, व्हीकल की। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में पढ़ना है, हमें एक हाईवे को उसके फिजिकल एलिमेंट्स को डिजाइन करना है तो हमें उस पर चलने वाले ट्रैफिक के बारे में पता होना चाहिए, जिस जगह बना रहे हैं उस टेरेन के बारे में पता होना चाहिए, जो व्हीकल उस पर मूव करेंगे उनके डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ आता है एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक फैक्टर्स। एक सुंदरता भी हमने हाईवे को देनी है, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल बनाना है कि भाई लोग भी आके वहां एंजॉय करें, और एनवायरमेंटल का भी ध्यान देना है कि कम से कम नुकसान पहुंचे एनवायरमेंट। तो ये चार पॉइंट्स अभी जो डिस्कस करें, अब नोट्स के थ्रू इनको देख लेते हैं कि है क्या ये। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स को फिर हम कितने माने जाते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, और उनको फिर डिजाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आ गया ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर द डिजाइन स्पीड, आपको किस स्पीड पे ट्रैफिक को मूव कराना है, डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड द ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में कितने व्हीकल्स मूव कराने हैं और किस स्पीड से मूव कराने हैं। डिजाइन स्पीड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्पीड एट विच व्हीकल्स कैन ट्रेवल सेफली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जैसे आप एक हाईवे पर अगर जा रहे हो तो आपने देखा होगा कई बार वहां पर आपको स्पीड जाएगी कि भाई इस स्पीड से मूव करिए। ये जो स्पीड है बेटा ये आपकी ही सेफ्टी के लिए। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर हम एक हाईवे की डिजाइन स्पीड से ज्यादा पर चलाएं तो हम अपने लिए खुद ट्रबल बुला रहे हैं। तो अगर आप डिजाइन स्पीड से ज्यादा के लिए चलाओगे तो वो हाईवे उस स्पीड के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, एंड दिस विल रिस्क योर सेफ्टी एंड द पीपल दोज आर अराउंड यू। तो डिजाइन स्पीड से ज्यादा के लिए तो चलाना ही नहीं चाहिए। सो डिजाइन स्पीड है क्या, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप एक हाईवे पे चलाते हो कीपिंग योर सेफ्टी इंटैक्ट, आपकी सेफ्टी पर कोई नुकसान ना है। सो डिजाइन स्पीड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टेरेन एंड द क्लास ऑफ द हाईवे। आप मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई भोपाल से इंदौर तक आप एक हाईवे बनाओ, ठीक है,
डिजाइन स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स के लिए. ज्योमेट्रिक डिजाइन में वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इधर साइड डिस्टेंसेस, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स दिखते हैं एक हाईवे पर, ये डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करते हैं. डिजाइन स्पीड आपको पता होगी तभी आप ये पता कर पाओगे कि टर्न कैसे कितना बनाना चाहिए, ठीक है, साइड डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए. और ये डिजाइन स्पीड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे. पहला फैक्टर ये है कि टेरेन कैसा है. पहाड़ पे आप हाईवे बना रहे हो, प्लेन्स पर आप हाईवे बना रहे हो. दूसरा, हाईवे कैसा है. नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है. इसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोड दिया है और ये कोड अभी हम पढ़ेंगे. ट्रैफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम एट एनी सिलेक्शन पीरियड. अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, आप बोलोगे कि सर मान लीजिए एक ये रोड है, ठीक है, प्लान देख रहे हो आप, सारे प्लान ही बनने हैं इसमें मोस्टली. आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने 11 बजे रीडिंग स्टार्ट करी कि भाई कितने व्हीकल्स यहां से निकल रहे हैं. एंटिल 12 PM आपने रीडिंग नोट करी, तो 1 आवर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ये वॉल्यूम हो जाएगा. तो एक गिवन जगह पर एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, इसको ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं. इन टॉपिक्स को, ट्रैफिक वॉल्यूम को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब हम आएंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग. तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो ये पूरा ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए ही बनाया जाता है. तो ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए तभी आप ज्योमेट्रिक डिजाइन में फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता पाओगे, ठीक है. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब आएगा सेकंड पॉइंट, टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड्स द नेचुरल ग्राउंड स्लोप which influences some of the design features like design speed. अब आप सोचिए आप पहाड़ पर हो, भाई पहाड़ पर जब आप नीचे आते हो तो भाई स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाती है ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से. यही अगर आप प्लेन्स पर हो तो आपको कोई ग्रेविटी का एडवांटेज नहीं मिलता. तो जो डिजाइन स्पीड है वो टेरेन पर डिपेंड करती है कि आप किस टेरेन पर ड्राइव कर रहे हो, और ये डिजाइन स्पीड आगे आपको हेल्प करेगी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स को बनाने में. आप टेरेन कैसे हम बोलेंगे कि एक टेरेन पहाड़ी है, एक टेरेन जगह से तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई ये जगह हिमाचल प्रदेश में है तो पहाड़ी टेरेन, ये जगह बॉम्बे में है तो प्लेन, ऐसे नहीं होता है. इसमें क्या होता है, हमने एक कोड बनाया है. कोड आपको ये कहता है, जैसे आगे की एक फिगर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट स्लोप्स है. तो अगर 0 से 10% का स्लोप है, 10% मतलब जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल मूव हुआ आपका, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 मीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा और उसके बाद आपका 10 मीटर का वर्टिकल चेंज आया, तो ये स्लोप हो गया. तो इसको हमने नाम दिया 10%. 100 मीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप हॉरिजॉन्टली मूव हुए तो इस पॉइंट से आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना था, इसको हमने स्लोप का नाम दिया है. तो अगर स्लोप 10% या उससे कम है तो इसको बोलेंगे प्लेन टेरेन. प्लेन्स बोलते हैं ना, दिल्ली प्लेन का इलाका है, बहुत बोला जाता है प्लेन्स, पहाड़ ऐसे. 10 से 25% अगर स्लोप है तो इसको नाम दिया जाएगा रोलिंग टेरेन. इसका मैं आपको रोल बताऊंगा अभी क्या है. 25 से 60% अगर स्लोप है तो इसको नाम दिया जाएगा माउंटेनस टेरेन, और 60% से भी ज्यादा स्लोप है तो इसको नाम दिया जाएगा स्टीप. अब मैंने आपसे बोला कि बेटा आपको एक हाईवे डिजाइन करना है जहां पर लेट से 30% स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेरेन 30% है, और मुझे यहां से एक नेशनल हाईवे बनाना है. तो एक डिजाइन स्पीड मुझे रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये डिजाइन स्पीड रखनी पड़ेगी. तो देखिए नेशनल हाईवे बनाना है और 25% से ऊपर
हमारा स्लोप है तो किसमें आ गया, माउंटेनस में, जिसको हिली भी बोला जाता है. तो हिली और नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, दिस इज 50 to 40 km/h आपने डिजाइन स्पीड रखी. ज्यादा डिजाइन स्पीड आप रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, जब आप नीचे आओगे ग्रेविटी का इफेक्ट भी साथ में जुड़ जाएगा, इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी कि व्हीकल अनकंट्रोलेबल हो जाएगा. कई बारी जब हम ओवर स्पीडिंग करते हैं तो यही दिक्कत है, वो हाईवे ओवर स्पीड के लिए बना ही नहीं है. जैसे मैं इसका सिंपल आपको एग्जाम्पल दू, एक बीम आपने डिजाइन करी बनाई 100 kN के लिए, ठीक है, आपने उसके सारा कितना कॉन्क्रीट रखना है, कितना स्टील रखना है, सेक्शन का साइज, सब कुछ आपने 100 kN/m के लिए डिजाइन करा, मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, और आपने खुद अपनी मर्जी से 150 kN/m लगा दिया और फिर बीम फेल हो गई. और आप कह रहे हो ये बीम फेल क्यों होगी, जब आपने बीम को इतने लोड को सहने के लिए बनाया ही नहीं था तो बीम कैसे सह सकती है. उसी तरीके से आप एक प्लेन हाईवे, आप प्लेन टेरेन पे एक नेशनल हाईवे बना रहे हो, 100 आपने मैक्सिमम डिजाइन स्पीड रखी, अब आप वहां पे चला रहे हो 130 km/h से, तो उस जगह के फिजिकल फीचर्स इस स्पीड को सहने के लिए नहीं बने. एंड दिस इज जस्ट लाइक कॉलिंग फॉर दी यमराज की, भगवान जी यमराज जी आ जाओ और मुझको लेके चलो. और ये सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, जो भी लोग आसपास होंगे उनके लिए भी बहुत डेंजरस है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर स्पीडिंग करो 60 वाली जगह पर 80 km/h से व्हीकल चलाओ, तो बात याद रखिए कि वो जगह 80 km/h के लिए डिजाइन नहीं है. यू आर जस्ट कॉलिंग फॉर अननेसेसरी ट्रबल, और ये ट्रबल सिर्फ आपके लिए नहीं, आसपास के लोगों के लिए भी है. एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ था, हैदराबाद में 27 years old एक किसी कंपनी के सीईओ थे, फ्लाईओवर पर जिसकी स्पीड 40 km/h थी, 120 km/h की स्पीड से अपना व्हीकल चला रहे थे. भाई 40 की तरह डिजाइन कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा स्पीड पर चला रहे हो. एग्जाम्पल 100 kN/m बीम का फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट था और आपने 300 kN/m का लोड लगाया, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, कुछ नहीं होगा. मोड आया, मोड पर गाड़ी क्या हुआ, टर्न ही नहीं हो पाई और फ्लाईओवर से नीचे गिरी, एंड वहां से एक मैम गुजर रहे थे और उनके ऊपर आके गिरी, उनकी डेथ हो गई, एंड द पर्सन वाज सेव्ड. मतलब जिसने एक्सीडेंट किया, एयरबैग्स खुल गए, वो तो बच गए, बट जो एक इनोसेंट पर्सन वहां से जा रहा था उनके ऊपर व्हीकल आके गया. तो व्हेन यू ओवर स्पीड, आप उस हाईवे को चैलेंज कर रहे हो कि भाई मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं बना ही नहीं इस स्पीड के लिए. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, जो भी वहां पर साइन बोर्ड्स लगे हैं विद इन दैट लिमिट चलाइए, आप भी सेफ रहेंगे और आपके आसपास के लोग. तो ये टेबल बेटा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद करना. ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में तो कई बार यही आ जाता है कि प्लेन टेरेन है, आपको MDR बनाना है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो क्या स्पीड होनी चाहिए. अब आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि दो स्पीड है, एक है 100, एक है 80. अब बोलोगे सर दो डिजाइन स्पीड क्यों है. देखो बेटा, जो 100 km/h है ये है मैक्सिमम, ये सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है, और जो 80 km/h है, जो मिनिमम स्पीड है, ये इकोनॉमी को सेटिस्फाई करती है. अब जैसे मानिए आप एक बीम बना दो, ठीक है, आपने बीम का एग्जांपल मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ कि बीम्स के बारे में हमने पढ़ाई होता है सोम में और सब्जेक्ट्स में. आपको मैंने बोला कि भाई 100 kN/m का भाई मोमेंट लगेगा, तो आप एक मिनिमम साइज दोगे. आप बोलोगे यार एक मिनिमम साइज दे दो, एक मैक्सिमम साइज दे दो. अगर आप साइज ज्यादा बढ़ा दोगे तो सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. आप बोलोगे भाई इतना तो लोड ही नहीं आ रहा, हम इतना साइज क्यों दे. और अगर आप सेक्शन मिनिमम कर दोगे तो सेफ्टी पर दिक्कत आ जाएगी. उसी तरीके से एक हाईवे को मैक्सिमम स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं कि सेफ्टी मेंटेन रहे, और फिर उसी हाईवे को एक मिनिमम स्पीड के लिए भी डिजाइन करेंगे ताकि वो इकोनॉमिकल भी रहे. नहीं तो अगर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा तो फिर लॉस हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर जो ये दो स्पीड आप देख रहे हो ये इसीलिए है, एक सेफ्टी फीचर के लिए है और एक इकोनॉमिकल फीचर के लिए, ठीक है. तो ये टेबल बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको इस टेबल को याद करना है. ये टेरेन
और ये स्पीड्स। आगे जाके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं, वहां सिर्फ ऐसे बोला गया है कि प्लेन टेरेन है और न्यूमेरिकल में डिजाइन स्पीड यूज होती है, तो आपको फिर याद रखना है कि प्लेन टेरेन के लिए नेशनल हाईवे की डिजाइन स्पीड ये है। दो तीन बार आप टेबल पढ़ोगे, टेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे तो याद हो जाएगा टेबल। तो अभी तक देखो बेटा, हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, फिर टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, अब व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ क्यों नहीं है, ये वो फैक्टर्स है जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नाउ वुड कम व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, व्हीकल की जो विड्थ है वो पेवमेंट की विड्थ डिसाइड करती है, व्हीकल की हाइट फ्लाईओवर की हाइट और जो अंडरपास है उसके बारे में उसकी डेप्थ को डिसाइड करेगा, व्हीकल की जो लेंथ होती है वो ओवरटेकिंग के टाइम पर कंसीडर की जाती है। इनफैक्ट अभी आप और भी पॉइंट्स पढ़ोगे, मैकेनिकल वाइडनिंग एक टर्म है, वहां पर भी व्हीकल की लेंथ का रोल आ जाता है। सो व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द डायमेंशंस ऑफ द व्हीकल एंड इट्स पावर। जैसे स्लोप जब आप डिसाइड करते हो, मैंने आपको बोला कि हाँ भाई भोपाल से इंदौर हाईवे बनाओ, और बीच में मान लीजिए टेरेन ऐसा है कि आपको स्लोप देना पड़ रहा है, आपको कहीं पर ऊपर जाना पड़ रहा है। अब आपने एक बढ़िया सा स्लोप बना दिया, क्योंकि जितना आप स्टीप स्लोप रखोगे उतनी कम आपको एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, तो आपने एक बहुत हाई स्लोप दे दिया, स्टीप स्लोप दे दिया, बाइक आपने चौथे गियर पे भगा के चढ़ा दी। बट अब ये सोचो 15 टन का ट्रक क्या चढ़ पाएगा। तो जो स्लोप आप डिसाइड करते हो वो देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा व्हीकल है वो क्या इस कर्व को या सॉरी इस स्लोप को नेगोशिएट कर पाएगा। जैसे ट्रक है, जब ट्रक फुल कैपेसिटी पे लोडेड होगा तो अगर आपने बहुत स्टीप स्लोप कर दिया तो ट्रक चढ़ ही नहीं पाएगा, उसकी पावर इतनी नहीं हो पाएगी। तो ट्रक के डायमेंशंस डिसाइड करते हैं पेवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ज्योमेट्रिक डिजाइन के फीचर्स को और स्लोप। तो फॉर एग्जाम्पल द विड्थ ऑफ द व्हीकल इज नेसेसरी टू डिसाइड द विड्थ ऑफ द पेवमेंट, अभी हमने पढ़ा, और द लेन। व्हीकल हाइट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द हाइट ऑफ द फ्लाईओवर, सबवे और अंडरब्रिज, ये भी पढ़ा। द लेंथ ऑफ द व्हीकल इज कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, कर्व्स, ओवरटेकिंग जोन्स एंड अंडरपासेस। तो इसमें जैसे बाकी पॉइंट्स तो न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी के साथ क्लियर हो जाएंगे, ओवरटेकिंग को आप समझ सकते हो कि एक ट्रक को ओवरटेकिंग करने का अलग मेहनत लगेगी और एक गाड़ी को ओवरटेक करने में अलग मेहनत लगेगी। तो ये फीचर्स पता होने चाहिए तब आप फिजिकल एलिमेंट्स को डिजाइन कर पाओगे। अब एक नोट है, जहां पर भी नोट लिखा हुआ दिख जाए उसको तो बड़े ध्यान से पढ़ना। डिजाइन स्पीड इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल्स ए नंबर ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल डिजाइन फीचर्स। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, आप सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट हर पैरामीटर में आपको डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे दिखेगी। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें, वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें, इंटरसेक्शंस की बात करें, साइट डिस्टेंसेस की बात करें, आपको हर जगह दिखेगा जो डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड को हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मान के चलना होता है और इसी के बेसिस पे हम सारी डिजाइनिंग करें। कुछ एक आध पॉइंट्स की बात करें तो ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, साइड डिस्टेंसेस, सुपर एलिवेशन, ये सब डिजाइन स्पीड पर डिपेंड करते हैं। अब द मैक्सिमम ऑफ द डिजाइन स्पीड, जैसे प्लेन टेरेन है, नेशनल हाईवे बनाना है, मैक्सिमम स्पीड 100 km/h रखी थी, इसको नाम दिया जाता है रूलिंग डिजाइन स्पीड। सो द मैक्सिमम ऑफ द डिजाइन स्पीड इज नोन एज रूलिंग डिजाइन स्पीड। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि जो मैक्सिमम डिजाइन स्पीड है उसको क्या बोला जाता है, रूलिंग डिजाइन स्पीड। इफ दिस रूलिंग स्पीड कैन नॉट बी अडॉप्टेड देन अ मिनिमम डिजाइन स्पीड शैल बी अडॉप्टेड। किसी रीजन की वजह से अगर आप 100 km/h नेशनल हाईवे पे प्लेन टेरेन में नहीं दे पा रहे हो तो एक मिनिमम स्पीड के लिए तो आपको हाईवे को बनाना ही पड़ेगा, तभी वो हाईवे इकोनॉमिकल है, वरना तो नुकसान हो जाएगा, उसके बाद सेफ्टी फीचर भी नहीं रहेंगे। Now we will discuss the various physical elements which are considered in geometric design. तो अभी तक आप ये पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो geometric design को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम geometric design में जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे
सबसे पहले आएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। जस्ट गिव मी अ मिनट, बोलते बोलते थोड़ा सा गला दुख गया, पानी पी लें। यहाँ तक बच्चों अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। कल कुछ बच्चों का व्हाट्सएप आया था मुझे, सो आई आंसर्ड देम। तो व्हाट्सएप करने में कोई संकोच ना करें, ठीक है? कोई भी डाउट अगर आपको आता है बिल्कुल व्हाट्सएप करिए, आई विल आंसर यू। तो अब आएगा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक रोड लीजिए, एक हाईवे लीजिए, पेवमेंट लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन कट कर दीजिए। तो आपको जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी फिजिकल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सब क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में आ गए। सो द फिजिकल पैरामीटर्स ऑब्जर्व्ड व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हाईवे इज कंसिडर्ड आर नोन एज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। द मेजर क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आर, अब देखिए ये आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स का सिलेबस है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शन, जब आपने क्रॉस सेक्शन कट करा तो आपको पेवमेंट भी दिख रहा है, तो पेवमेंट का सरफेस आ गया, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारी रोड है, इसको मैंने इसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो क्रॉस सेक्शन में सबसे ऊपर लेयर में क्या आ रहा है, पेवमेंट का जो मटेरियल है। तो क्रॉस सेक्शन में पहला आ गया पेवमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन में। अभी आप देखोगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साइट डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सरफेस पे। अब आप ये सोचो सरफेस पर क्या क्या है, एक तो फ्रिक्शन है, फिर अनइवननेस, अगर सड़क पे बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना बम्स है, सड़क ऊपर नीचे जा रही है, तो आप देखो व्हीकल चलाने में कितनी दिक्कत आती है, स्पाइन पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एकदम से रोड नीचे हो जाए, एकदम से रोड ऊपर हो जाए, बम्प्स जिसको कहते हैं, इस वजह से ड्राइवर को बहुत अनकंफर्ट फील होता है। फिर लाइट रिफ्लेक्शन बहुत दिक्कत आती है बारिशों में, लाइट रिफ्लेक्ट होती है पेवमेंट पे, ड्राइवर की आंखों पे पड़ती है, जिसमें लीड टू एक्सीडेंट एज वेल। तो पेवमेंट की सरफेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में आते हैं। लास्ट वन इज ड्रेनेज। देखिए ड्रेनेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पानी रुका रह गया सड़क पर और वो सड़क बिटुमन की आपने बनाई है तो वो सड़क के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिटुमन जो है वो दुश्मन है वाटर का, तो वाटर आपको बिल्कुल भी सतह पर छोड़ना ही नहीं है, ठहरने ही नहीं देना है। तो पेवमेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का पहला पॉइंट आप बोल सकते हो, पहला फीचर आप बोल सकते हो कि पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड ड्रेनेज, ठीक है? इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है अभी पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आएगा पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कैम्बर। देखिए कैम्बर में क्या होता है, अगर आप ये एक रोड का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, आप टॉप पॉइंट को क्या करते हो, उठा देते हो ताकि वाटर ड्रेन ऑफ हो सके। तो वाटर को आप एक तो लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लोप वहां से भी ड्रेन आउट कर रहे हो, और रोड जैसे इस तरीके से है आपने बीच के पॉइंट को रेस कर दिया, तो यहां से भी आप वाटर ड्रेन आउट कर रहे हो, दो जगह से आप वाटर ड्रेन आउट कर रहे हो। तो अभी बात समझ सकते हो कि पानी का ठहरना सरफेस पर कितना नुकसानदायक है। अगर ये कैम्बर सही तरीके से ना दिया जाए, कैम्बर गलत हो जाए, तो पानी अपनी जगह पर रुका रहेगा एंड दिस में लीड टू क्रैक्स, पूरी रोड आपकी टूट जाएगी। और होता भी, आपने कई बार देखा होगा बारिशें हो जाए तो रोड्स क्रैक कर जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कैम्बर सही नहीं दिया गया। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में, इट इज द विड्थ ऑफ द कैरिज वे या विड्थ ऑफ द पेवमेंट। नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करेगा, सिंगल लेन, डबल लेन, मल्टी लेन्स पर, ठीक है? कितने नंबर ऑफ लेन्स देनी है, ये भी एक फिजिकल एलिमेंट है जो क्रॉस सेक्शन में आता है। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं इन पे क्वेश्चन, डबल लेन विद कर्व्स है तो बताइए विड्थ कितनी रखनी है, डबल लेन बना रहे हैं आप विदाउट कर्व, KERBS, अभी बताऊंगा क्या होता है मैं, विदाउट कर्व बना रहे हैं तो आपको कितनी वहां पर विड्थ रखनी पड़ेगी। तो जो विड्थ ऑफ द पेवमेंट है वो भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में आता है। फोर्थ आता है कर्व्स, KERBS। कर्ब्स क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा इवन जब भी आप मूव करते होगे, और भोपाल में DBCT मॉल के सामने ये सब दिख जाएगा आपको,
जब हम मान लीजिए हाईवे है यहाँ पर, ठीक है, हाईवे पे चल रहे हैं, ये हाईवे है, आपने देखा होगा यहाँ पर एक एलिवेटेड फुटपाथ होता है जो लोगों के लिए चलने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो एलिवेटेड फुटपाथ है, ये तो फुटपाथ है, जो एलिवेशन है, जो ये ब्लैक और व्हाइट कलर का एक ऑर्डर चलता है, ब्लैक व्हाइट, इसको हम बोलते हैं कर्व। तो इस कर्व के रोल क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम पढ़ेंगे। बट ये कर्व भी एक फिजिकल एलिमेंट है जो कि क्रॉस सेक्शन में आता है। फिर रोड मार्जिन्स, अब देखिए रोड मार्जिन्स में क्या आता है, शोल्डर्स। मैंने आपको बताया था कि रोड के साथ एक वो जो मिट्टी वाली सड़क पैरेलल चलती है उसको शोल्डर बोलते हैं। कोई व्हीकल आपका खराब हो जाए तो आप क्या करोगे, शोल्डर पर आकर व्हीकल को खड़ा कर दोगे। पार्किंग लेन्स, कई बारी हम देखते हैं कि रोड के साइड में व्हीकल को पार्क करने की जगह दी जाती है, कई बारी नहीं दी जाती है, कई बारी दी जाती है। तो आपने वहां पर पार्क कर दिया अपने व्हीकल को रोड पर ही। मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई इंडस्ट्रियल या कोई बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, साई वहीं पर ही पार्किंग की थोड़ी जगह दे देगी। आपने रोड के साइड में व्हीकल पार्क करा और उधर से व्हीकल ले गए। बस बेस, बस बेस क्या है, देखो आपने देखा होगा इवन डीबी सिटी मॉल पर एक बारी हो या ना लॉकडाउन के बाद, तो आधा ये आधा क्या पूरा उधर ही दिख जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, ये व्हीकल जा रहा है और मान लो अगर आपने यहाँ पर ही बस स्टॉप बनाया और बस यहाँ आके रुकी, तो जो पीछे से व्हीकल्स आते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। आपने खुद देखा होगा जब बस बीच में ही रोक देते हैं सवारी को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, तो अब हम वहां पर रुक गए, फिर पीछे देखो, फिर गाड़ी को मोड़ो, बड़ा दिक्कत आती है और ये एक्सीडेंट भी होते हैं। तो बस बेस में क्या होता है, ये रोड आ रही है और आप जो बस स्टॉप है वो अंदर की तरफ बनाते हो, तो ये आया बस इधर जाती है, फिर यहाँ पर वो कम्यूटर्स को उतारते हैं, चढ़ाते हैं और हम सीधा निकल जाएंगे। ये जो बस बेस है ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ताकि ट्रैफिक फ्लो होता रहे। देखा भी होगा आपने बस में, अगर बीच में स्पेशली जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग बिठाने, तो वो कहीं भी बस रोक देते हैं, पूरा ट्रैफिक आप देख रहे हो वहां पे रुक जाते हैं क्योंकि विड्थ कम हो गई, आधी जगह तो बस ने ले ली। तो रोड मार्जिन में बस बेस आते हैं। सर्विस रोड्स, आपने कई बार ही देखा होगा, फिर से डीबी सिटी, डीबी सिटी में इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि भोपाल तो एमपी वाले बच्चे गए ही होते हैं यार एक आध ना एक आध बारी। तो क्या होता है, ये आपकी मेन रोड जा रही है, यहाँ पर आपका डीबी सिटी मॉल है, मेन रोड के साथ एक पैरेलल रोड और जा रही होती है, कि अगर आपने यहाँ मॉल में जाना है, ठीक है, या आपने मान लो धीरे स्पीड से ट्रेवल करना है, धीरे स्पीड से मतलब मान लीजिए आप कुछ साइड बाई साइड आपको देखते हुए जाना है कि अच्छा मेरा इलाका भाई कब आए कौन सा है, तो जो मेन रोड के साथ एक और रोड ट्रेवल करती है पैरेलली, जहां पर डिजाइन स्पीड बहुत कम है, वो इसलिए दी गई है कि अगर आपको उसी तरफ मुड़ना है, आपको अब मान लो पूरा ट्रैफिक फुल फ्लो ट्रैफिक चल रहा है, एकदम से आप मोड़ लोगे तो दिक्कत होगी पीछे वाले लोगों को। तो आपने क्या करा, पहले ही बहुत पहले ही आपने सर्विस लेन में एंटर करके धीरे धीरे आप अपना व्हीकल चलाते रहे, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इम्पोर्टेंट बिल्डिंग आई आप अपना टर्न लेके अंदर चले गए। इन सबको अभी हम पढ़ेंगे भी। साइकिल ट्रैक्स, साइकिल वालों को तो आपको पता है बेचारे की जान बिल्कुल हथेली पर ही रहती है, तो साइकिल ट्रैक अलग से बना दिया आपने कि हाँ भाई इस पे बस साइकिल चलेगी। फुटपाथ पेडेस्ट्रियंस के लिए, ये भी रोड मार्जिन्स में आता है। गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स का मैं आपको बड़ा सिंपल बताऊं, अगर कभी भी आपने पहाड़ों में व्हीकल चलाया है या आपने किसी मूवी में यूट्यूब पर देखा है, तो क्या होता है स्टील की रेलिंग्स लगी होते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एलिवेशन है। तो क्या होता है जिस तरफ खाई होती है उस टाइम उस तरफ ऐसे स्टील की पहले पोल्स लगाए गए और इस तरीके से पट्टियां लगा दी जाती है ताकि किसी भी रीजन की वजह से आप खाई के इस तरफ ना जाओ, कभी हो जाता है बैलेंस खराब हो रहा है, स्किड हो रहा है व्हीकल, तो गार्ड रेल्स क्या करती है, ये आपको खाई में जाने से रोकती है, तो ये भी रोड मार्जिन्स में आता है। इन सबको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, रोड, रोड में मैंने आपको बताया था शोल्डर प्लस पेवमेंट, तो शोल्डर पेवमेंट और मार्जिन इसको आप डिवाइडर बोल सकते हो, इन तीनों को मिला के बोलते हैं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो ये भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है।
जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का पार्ट है ना बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरिटिकल है, तो इसको याद करने वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। एंड राइट ऑफ वे में पूरा क्रॉस सेक्शन आ जाता है, जैसे जो अभी आपने पॉइंट्स पढ़े इन सबको मिला के जो पूरा कंप्लीट क्रॉस सेक्शन है उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। तो ज्योमेट्री डिजाइन में अगर हम देखें, तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट आया, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स में 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर फर्दर 4 पॉइंट आते हैं। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ट तरीका है रिवीजन का, जिस पॉइंट को आप पढ़ रहे हो उसे लिखो सेंटर में, और उसके आसपास जितने भी आपने चीजें सीखे सब मेंशन करो। जिन चीजों को आपने मेंशन कर दिया वो मतलब दिमाग में आ चुकी हैं, जिनको मेंशन नहीं करा उन्होंने अभी जगह नहीं बनाई है दिमाग में, उन पर आप फोकस करिए। तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा फ्रिक्शन, अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्शन एंड ड्रेनेज। तो अब हम इस पॉइंट को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कैम्बर आ गया। कैम्बर को कैंट भी बोला जाता है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा एग्जाम्स में बहुत आता है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्टली थ्योरिटिकल है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि प्लेन टेरेन है, नेशनल हाईवे है, तो उसकी एक स्पीड थी। अब ये 100 KMPH का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखने वाला डेटा है। उसी तरीके से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के जो मेजर चीजें हैं वो सब याद रखने वाली है। जैसे अभी कैम्बर का कोड आएगा कि अगर इतना परसेंट रेनफॉल हो रही है तो इतना कैम्बर आपको रखना है, ये डेटा याद करना होगा। तो अब आ गया पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फॉर द सेफ एंड कंफर्टेबल ड्यूरिंग द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द पेवमेंट सरफेस आर इंपॉर्टेंट विच आर एज फॉलोज। तो जो चार, अगर आपको एक कंफर्टेबल और सेफ राइडिंग करनी है तो पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स की 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज फ्रिक्शन। 9th 10th में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इवल, ये बुरा भी है ये अच्छा भी है। फ्रिक्शन अगर ज्यादा है तो वियर एंड टीयर बढ़ जाता है व्हीकल का, व्हीकल के फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एब्रेशन और ये सब बढ़ने की वजह से व्हीकल की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, व्हीकल ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो व्हीकल के स्लिप और स्किड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑप्टिमम होना चाहिए फ्रिक्शन, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। सो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल या फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द पेवमेंट सरफेस plays a significant role when a horizontal curve is dealt with or to determine side distances. अब इस फ्रिक्शन का रोल आता कहाँ है? देखो बेटा दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हम करेंगे बहुत ज्यादा ये रोल आएगा। एक तो आता है जब आप हॉरिजॉन्टल कर्व्स को नेगोशिएट करते हो। जिन बच्चों ने थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ा होगा अपने कॉलेज टाइम में वो ये जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब आप एक कर्व को नेगोशिएट करते हो तो एक फोर्स लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर, mv2/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हीकल को सेंटर से दूर लेकर जाती है। तो फ्रिक्शन जो है वो इस फोर्स को बैलेंस करता है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व पर जब आप चलते हो, आप हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करते हो, तो फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन ना हो या कम हो तो व्हीकल बाहर की तरफ गिर सकता है, स्किडिंग हो सकती है व्हीकल की। दूसरा, साइट डिस्टेंसेस में फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऐसे सोचो कि अगर एक रोड पर फ्रिक्शन है, आपने ब्रेक लगाया तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है तो व्हीकल बाद में रुकेगा, बाद में रुकेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब हम साइट डिस्टेंसेस निकालते हैं और जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स की स्टडी करते हैं तो फ्रिक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन डिक्टेट्स द सिलेक्शन ऑफ द डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड भी जो फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करती है। ये फ्रिक्शन हो गया मटेरियल का, ये बिटुमन का पेवमेंट बनाया तो कितना फ्रिक्शन कोफिशियंट है, कंक्रीट का पेवमेंट बताया बना रहे हो कितना फ्रिक्शन कोफिशियंट है, और इस फ्रिक्शन कोफिशियंट के बेसिस पर आप डिजाइन स्पीड को सिलेक्ट करते हो। तो
तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन में. इट ऑल्सो एफेक्ट्स द एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एबिलिटी ऑफ द व्हीकल. व्हीकल का एक्सेलरेट होना और डिसेलरेट होना ये भी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है. एक्सेलरेशन क्या है, बाइक की बात करें, एक्टिवा की बात करें, आपने एक्सेलरेशन दे दिया. अब अगर फ्रिक्शन है तो व्हीकल धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, ठीक है, पिकअप जिसको आप बोल सकते हो, और अगर फ्रिक्शन कम है तो व्हीकल जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा. तो फ्रिक्शन को आप देखो, ये व्हीकल की वियर एंड टीयर को या व्हीकल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो फ्रिक्शन आपको याद रखिए ना, ज्यादा ना कम. ज्यादा रखेंगे तो व्हीकल के लिए अच्छा नहीं है, कम रखेंगे तो जो व्हीकल के अंदर ड्राइवर बैठा है उसके लिए अच्छा नहीं है. लैक ऑफ फ्रिक्शन मे कॉज स्किडिंग और स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल. नाउ दिस इज अमंग माय फेवरेट टॉपिक कि भाई स्किड क्या होता है और स्लिप क्या होता है. कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, कुछ बच्चों को ना पता हो. तो मैं इसको आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले, और फिर इसमें व्हीकल का एग्जाम्पल मैं लगा दूंगा. मान लीजिए आप जहां पर फर्श है, फ्लोर है, वहां पर पानी गिरा हुआ है, ठीक है. अब एक इंसान आया वहां पर और क्या हुआ कि होता है ना कि आप वहां पर पैर आपके आगे पीछे हुए, स्लिप हो गया पैर. स्लिप होने का मतलब क्या हुआ इसको समझिए, या इसके भी अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा. मान लीजिए कीचड़ है कहीं पे, मड है, हमारा टायर मड में फंस गया. अब आपने एक्सेलरेट किया व्हीकल को, तो क्या हो रहा है, व्हीकल टर्न तो हो रहा है, मूव तो हो रहा है व्हीकल, बट हमारा व्हीकल आगे नहीं जा रहा. जो हमारा टायर है, व्हील है, वो मूव हो रहा है कीचड़ में. पिक्चरों में आप देख तो बड़ा दिखाया जाता है ऐसे, बेचारा हीरो फंस जाता है ऐसे. तो क्या हुआ, जो हीरो है हमारे, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं व्हीकल को, गुंडे आ रहे पीछे से, टायर अपनी जगह पर घूम रहा है बट व्हीकल आगे नहीं बढ़ रहा है. सो दिस इज नोन एज स्लिप. तो स्लिप में क्या होता है, टायर मूव तो कर रहा है, रोटेट हो रहा है टायर अपने एक्सिस पर, बट व्हीकल आगे नहीं बढ़ पा रहा. तो मड और स्नो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्लिप का. अब स्किड क्या होता है, स्किड में व्हील रोटेट नहीं करता है बट तब भी गाड़ी मूव कर जाती है. अब बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, जब व्हील मूव ही नहीं कर रहा है, व्हील अपनी जगह पर रोटेट ही नहीं हुआ अपने एक्सिस पर, तब भी कैसे गाड़ी आगे बढ़ गई. बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो. फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो टायर रुक गया, लॉक हो गया है वो टायर, बट स्टिल व्हीकल आगे बढ़ रहा है. तो ये हो गया स्किडिंग. तो स्किडिंग में क्या होता है, जो हमारा व्हील है वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता है बट तब भी व्हीकल आगे बढ़ जाता है. स्लिपिंग में क्या होता है, जो व्हील है वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है बट व्हीकल आगे नहीं बढ़ रहा है. तो जब मड और स्नो की बात हम कर रहे हैं तो टायर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, व्हीकल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये होगी स्लिपिंग. स्किडिंग में क्या हुआ, आपने एकदम ब्रेक लगाया, टायर रुक गया, टायर मूव नहीं हो रहा, अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं हो रहा है बट व्हीकल आगे बढ़ रहा है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बचपन में भी हम करते थे कि आप भागते हुए आए, और होता नहीं वो जो स्केट ही बोलते कि आप रुक गए, आपके पैर नहीं चल रहे हैं, होता नहीं जब हम फर्श पे करते थे भागते हुए आए और जो जूम करके निकल गए, पैर हमारे चल नहीं रहे, हम पैरों को आगे पीछे नहीं कर रहे बट तब भी हम आगे बढ़ गए मोमेंटम की वजह से. और आप ऐसा समझो कि आप फर्श पे तेल डाल दो थोड़ा सा, दीवार को पकड़ लो और आप पैर अपने घुमाने शुरू करो, तो आप वो होता नहीं ट्रेडमिल की तरह आप वहां पे चल तो रहे होगे. ट्रेडमिल भी एक स्लिपिंग का एग्जाम्पल है. ट्रेडमिल में आप भागते नहीं, आप बस अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हो और वो वहां पर आपको ट्रेडमिल पे वो एक सेंसेशन आ रहा है कि आप रनिंग कर रहे हो. तो स्लिपिंग इज वे डिफरेंट फ्रॉम स्किडिंग. इन स्लिपिंग द व्हील रोटेट्स बट द व्हीकल डज नॉट मूव, वेयर एज इन स्किडिंग द व्हील डज नॉट रोटेट बट द व्हीकल मूव्स. तो फास्ट एंड फ्यूरियस में स्किडिंग हो रही है, टोक्यो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोलते भी है इस चीज को, तो ड्रिफ्टिंग यही है. और ये गलत भी होता है, स्किडिंग बड़े नुकसानदायक होती है, और इसीलिए आप एक टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हो जिसको बोलते हैं ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. जैसे जिन व्हीकल्स में, बाइक की बात अगर मैं करूं, जिनमें ABS नहीं है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो टायर लॉक हो जाता है और बाइक स्किड कर जाती है. तो बड़ा सिंपल सा है जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है. तो जो ABS टेक्नोलॉजी है, ये आपके जो व्हीकल का टायर है, जो व्हील है,
उसको रोटेट करने से रोकता नहीं है, धीरे धीरे मतलब एकदम वीक लॉक जो व्हील है वो लॉक नहीं होता है, वो पार्ट्स में घूमता है। तो स्किडिंग बहुत डेंजरस होती है, स्लिपिंग भी डेंजरस है। तो ये स्किडिंग और स्किपिंग का डिफरेंस है, तो इसको याद रखिए। और एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ के देखो कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। जिन बच्चों ने आंसर लिखा बिल्कुल सही लिखा, गुड। तो स्किड और स्लिप दोनों हमने पढ़े। अब वेरियस इफेक्टर्स जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब आप देखो खुद को आप अभी से ही सोच सकते हो बिना इन पॉइंट्स को पढ़े, जो पेवमेंट बनाया है वो किस मटेरियल का है, भाई हर मटेरियल डिफरेंट फ्रिक्शन देता है। जो टायर्स हैं वो कहीं फ्लैट तो नहीं हो गए, होता है ना जब टायर हमारे घिस जाते हैं फ्लैट हो जाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्या बारिशें तो नहीं हो रखी हैं। ये सिंपल कुछ पॉइंट्स है, प्रेशर टायर में प्रेशर कितना है, ये तो हम बोलते हैं कि अगर टायर प्रेशर लो हो गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया है, इस वजह से हम कहते हैं भाई टायर में बढ़ो, बड़ी मुश्किल से गाड़ी आगे बढ़ रही है। सिंपल चीजें हैं ये जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब्जेक्ट को आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी डेली लाइफ में। बीम को ऐसे आप देखते नहीं हो कि बीम पर लोड लग रहा है, आपने बीम को ऐसे नहीं देखा होगा, बट इन चीजों को आपने एक्सपीरियंस करा है। सो वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन आर मटीरियल ऑफ द पेवमेंट, कि भाई ब्यूटेमन का बनाया है या कॉन्क्रीट का बनाया है। कंडीशन ऑफ द पेवमेंट, कि पेवमेंट वेट है या ड्राई है। कंडीशन ऑफ द टायर, नया टायर है तो जो थ्रेड्स बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे, इस वजह से टायर फ्लैट नहीं है, सपाट टायर जिसको बोलते हैं वो नहीं है, वो तो फ्रिक्शन क्या होगा ज्यादा रहेगा, ग्रिप बनी रहेगी। हमारे शू का सोल भी ऐसे ही वर्क करता है, अगर शू का सोल नया है ठीक है तो अच्छी ग्रिप बनती है हमारी, फुल ओर पे हम गिरते नहीं है, अगर पुराना हो गया शू तो फिसल जाते हैं हम लोग। स्पीड एंड लोड ऑन द व्हीकल, स्पीड पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है, लोड होगा कहते हैं ना व्हीकल चिपक के चलता है फिर जमीन से। टायर प्रेशर, कम टायर प्रेशर है ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा टायर का फिर रोड के साथ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो टायर प्रेशर जब कोई भी कंपनी क्लेम करती है कि हमारे गाड़ी 20 kmph का एवरेज देगी तो उसमें ना टर्म्स एंड कंडीशन है, उन टर्म्स एंड कंडीशन में टायर प्रेशर मैंशन होता है कि आपका टायर प्रेशर इतना होना चाहिए, अगर आप टायर प्रेशर इससे ज्यादा कम कर दोगे तो नुकसान होगा। बच्चों मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हो अपने व्हीकल में हवा भरवाते हो ठीक है, गाड़ी की बात करें तो 50 आप देखते हो वहां पे मीटर में लिखा होता है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो 35 होता है ठीक है। ये जो 35 प्रेशर यूनिट है ठीक है, किलोग्राम पर फोर्स स्क्वायर जो है ये यूनिट है, ये प्रेशर है कौन सा प्रेशर? आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये कौन सा प्रेशर है जो टायर में आप मेजर करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। ये प्रेशर है कौन सा जो आपके टायर में आप देखते हो मशीन पर लिखा हुआ आता है? जो आप में से बाइक राइडर्स होंगे उनके पास तो पूरी वो इक्विपमेंट ही होता है, वो छोटा सा स्केल जो गेज होता है प्रेशर गेज, तो वो प्रेशर गेज कौन सा प्रेशर मेजर करता है? प्रेशर कई टाइप के होते हैं। नहीं बेटा इट्स नॉट एटमॉस्फेरिक, गेज प्रेशर मेजर करता है। तो जो भी आप प्रेशर डलवा रहे हो अपने टायर में वो गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर क्या होता है? हाँ गुड, पवन एंड देव गेज लिखा आपने और अर्पिता बेटा गेज लिखा, बिल्कुल सही आंसर। गेज प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ गेज प्रेशर 4 है तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4, दिस इज गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर में याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आज आपको एक मैं क्वेरी देता हूँ ठीक है, सोचिए कैसे आंसर आएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सबसे प्रैक्टिकल वे, मोस्ट प्रैक्टिकल वे अपने व्हीकल का एवरेज नापने का क्या है? लेट से आप एक कार है आपके पास, एक बाइक है या एक एक्टिवा है, उसका एवरेज आपको मेजर करना है।
तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे क्या है? प्रैक्टिकल से मतलब याद रखे जो आप करोगे। बच्चे कई बार ये एक आंसर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आंसर मत देना कि सर 1 लीटर पेट्रोल भराया और चला दी, तो 1 लीटर में जितना वो चली वही एवरेज हो गया व्हीकल का। तो मान लो ये 1 लीटर आपने चला दी और जिस जगह आप रुके वहां से 40 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो 40 किलोमीटर घसीटना पड़ गया व्हीकल को, तो पैंट बच जाएगी। तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे क्या होता है जिससे आप अपने व्हीकल का एवरेज मेजर करें? अगर आंसर आपको लगता है कि आपको पता है तो व्हाट्सएप करें, देखते हैं कि कॉमन सेंस कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चों का। छठा है ब्रेक एफिशिएंसी। देखिए ब्रेक लगने के बाद फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी गाड़ी रुक जाएगी, कम होगा तो बाद में गाड़ी रुकेगी। तो फ्रिक्शन सेफ्टी को बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बट अगर एक क्वांटिटी से एक गिवन लिमिट से ज्यादा हो जाए फ्रिक्शन तो फिर कंफर्ट खराब हो जाएगा ड्राइवर का। तो सेफ्टी और कंफर्ट को साथ लेके चलना। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हमारा फर्स्ट एक ऐसा टॉपिक हुआ है जो एग्जाम्स में आता है, तो कल की क्लास से पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेटा कल है संडे और कल आपकी क्लास का जो टाइम है वो है 12 PM प्राइम मेरिडियन। ठीक है, संडे का दिन है, आराम से उठना तुम भी और मैं भी। ठीक है, और संडे कल की क्लास 12 PM। तो आई कैन सी मैनी पार्टिसिपेंट्स हियर, जो आज नहीं आ पाए जिनको है कि हम रिकॉर्डेड सेशन सुन लेंगे। ठीक है, इन्फॉर्म उनको भी कर देना कि 12 PM से आपकी क्लास हो कल। अब देखो फ्रिक्शन पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द व्हील एंड द पेवमेंट इज गिवन एज। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपने बहुत पहले मैकेनिक्स में स्कूल में पढ़ा था। हम ये पढ़ते हैं कि भाई वेट नीचे लग रहा है तो ऊपर लग रहा है रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आई विच इज म्यू इंटू आर, और ये आर किसके इक्वल हो गया डब्ल्यू के। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, बस म्यू के बजाय अब हमने ये स्मॉल एफ लिख दिया। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द पेवमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द व्हीकल। सो वेयर डब्ल्यू इज द लोड एक्टिंग एंड एफ इज कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे रोल आएगा इसका। ठीक है, अब आप ये मान के चलो कल से हम प्रॉपर क्वेश्चनिंग्स में आ जाएंगे, आज जो पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। लाइक सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नोट, जहां भी नोट आ जाए वहां तो एकदम अपनी आंखें गड़ा देनी है। IRC इंडियन रोड कांग्रेस सजेस्ट द कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन एज 0.35 to 0.40 डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। This is used in calculated side distance. अभी मैं बताऊंगा। Coefficient of lateral friction is taken as 0.15. अब देखिए, ये हमारी road है, pavement है ये हमारा। Top view आप देख रहे हो, plan है ये। अगर आप longitudinal direction की बात करो, मतलब pavement की length के along अगर आप analysis कर रहे हो, तो इस जो अभी फ्रिक्शन आता है उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, मतलब जो लेंथ के लॉन्ग फ्रिक्शन है इट इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू 0.35 से 0.40 तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। अभी एक कोड पढ़ोगे आप, उस कोड से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की जरूरत कहां पड़ती है? आप सोचो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कहां जरूरी है? जब आप ओवरटेक करते हो एक व्हीकल को तो ओवरटेक कैसे करते हो? लॉन्गिट्यूडिनली करते हो, अलोंग द लेंथ ओवरटेकिंग होती है। तो जब आप ओवरटेकिंग के बारे में पढ़ोगे या जब आप साइट ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंसेज में आता है, तो जब भी आप साइट डिस्टेंसेज के बारे में पढ़ोगे तो आपको यूज करना होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। बेटा ये जो फ्रिक्शन की वैल्यूज है यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिलियंस ऑफ टाइम्स आई हुई है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में यही डायरेक्ट आ जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है या इसकी रेंज कितनी है।
अभी आगे एक टेबल आएगा कि डिफरेंट स्पीड के बेसिस पे कितना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। दूसरा है लेटरल फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हम एक कर्व को नेगोशिएट करते हैं तो ये जो हमारा व्हीकल है इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं। ये हमने बड़ा पहले स्कूल में पढ़ लिया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रही है, व्हीकल को आगे नहीं लेटरली मूव करा रही है। तो जब लेटरल मूवमेंट होगा मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और ये वैल्यू रखी जाएगी 0.15। तो बेटा 0.15 आप ये मान के चलो जब हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ेंगे तब यूज होगा और 0.35 से 0.40 जब आप साइड डिस्टेंसेस पढ़ोगे तब यूज होगा। तो जब आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एनालिसिस करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू यूज होगी, जब आप लेटरल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनालिसिस करोगे तो 0.15 यूज होगा। गेट, ESE, SSC, JEE, MPP, PSE कोई भी एग्जाम आप देख लो ये दोनों क्वेश्चंस कई कई बार आए कि भाई कोफिशियंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है, 0.15 फिक्स वैल्यू है ये, और कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना होता है, इट डिपेंड्स स्पीड का रेंज आपने क्या रखी। ठीक है, अभी आगे जाके इसका न्यूमेरिकल में भी रोल आएगा, ये डेटा आपने याद रख। ठीक है, एक दो टॉपिक और कवर करते हैं देन आई विल टेक योर डाउट्स। अनइवननेस, ये तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक आप रोड की बात कर रहे हो, प्लान के बजाय इस बार एलिवेशन देख रहे हैं और ये रोड इस तरीके से जा रही है कि हमारा व्हीकल ये ऊपर नीचे होता हुआ जा रहा है, अनकंफर्टेबल राइडिंग हो जाती है, तो इसी को अनइवननेस बोलते हैं। इवन मतलब रोड बिल्कुल प्लेन हो, एकदम सीधी जा रही है, तो ये बंप नहीं आ रहे, अनइवननेस मतलब बंप है। So in order to have a comfortable ride, the pavement surface should be even. But if the surface is uneven, it affects the vehicle operating cost, speed, riding comfort, safety, fuel consumption, and wear and tear of the vehicle. So agar ye bumps honge, to riding uncomfortable ban jayegi, safe nahi rahegi, vehicle ke liye bhi ab achha nahi hai. फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आपको बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, क्लच खींचना पड़ रहा है, तो अनइवननेस ना राइडर के लिए अच्छा है ना व्हीकल के लिए अच्छा है। The unevenness of a road is represented by unevenness index, which is a cumulative measure of vertical undulations of the pavement surface recorded per unit length of the road. अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब एक रोड इवन है अनइवन है ये पता कैसे चलता है? आपने क्या करा, 1 किलोमीटर रोड की लेंथ देखी, अब ये मान लीजिए कहीं पर 10 सेंटीमीटर रोड ऊपर, 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ी वैल्यू बोल दिया ने, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कहीं पर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बंप आया, फिर कहीं पर जाके थोड़ा बंप नीचे हो गया, फिर ऐसे ऊपर आ रहा है, तो ये जो बंप्स आ रहे हैं जो लेवल है रोड का उससे ऊपर और उससे नीचे जितने भी ये पॉइंट्स हैं आपने इन सबको ऐड कर दिया। 1 किलोमीटर की लेंथ ली, रोड है थोड़ा जहां ऊपर उठी ये डिस्टेंस मेजर करा, नीचे गई ये डिस्टेंस मेजर करा, 1 किलोमीटर में सारे ये जो बम्स हैं इनको ऐड कर दिया, तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। लेट से जैसे मैं बोलूं आपसे 120 mm/km इज द अनइवननेस इंडेक्स, तो इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में 120 mm के बम्स आ रहे हैं कि कहीं पर 20 mm रोड ऊपर उड़ गई, कहीं नीचे चली गई। तो अब IRC ने बोला है कि अगर ये अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू किसी गिवन रेंज में रहे तो राइडर के लिए इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता। तो इट इज मेजर्ड यूजिंग अ बम्प इंटीग्रेटर, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अनइवननेस किस चीज से मेजर की जाती है, तो बम्प इंटीग्रेटर से मेजर की जाती है, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन cm/km और mm/km कि कितने बम्स हैं 1 किलोमीटर की लेंथ ऑफ रोड पर। अब आगे आप पढ़ोगे एक कोड है, एन अनइवननेस इंडेक्स लेस देन 1500 mm/km इज कंसिडर्ड गुड ऑन हाई स्पीड हाईवेज। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अनइवननेस आ ही जाती है, बट अगर 1 किलोमीटर लेंथ में 1500 mm से कम है अनइवननेस, जितने भी बम्स आ रहे थे ऊपर नीचे सबको जोड़कर 1 किलोमीटर में अगर 1500 mm से कम है वैल्यू, तो
आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये रोड ठीक है, ये इसको पास कर दो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ए वैल्यू लेस देन 2500 mm पर किलोमीटर इज सेटिस्फेक्ट्री, अच्छी ना बोल के हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है काम चल जाएगा, अप टू अ स्पीड ऑफ 100 km/h। ए वैल्यू ऑफ मोर देन 3200 mm पर किलोमीटर इज अनकंफर्टेबल इवन एट लो स्पीड। अगर जितने ज्यादा ये बम्प इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, अनइवननेस इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा, राइडर के लिए उतना ही अनकंफर्टेबल, आपको फिर रोड को प्लेन करना पड़ेगा, जो किया भी जाता है। अब देखते होगा ना पैचेस वहां पे बीच बीच में, वो आपको दिखेंगे कि जहां पे जब ये गड्ढे बम्प्स बढ़ जाते हैं तो जो आपको कॉन्ट्रैक्टर दिखेंगे जो पैचेस बना देते हैं, भर देते हैं इन गड्ढों को, ताकि ड्राइवर के लिए इवन सरफेस रहे। अब बच्चों इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार इससे क्या पूछा जा सकता है, ये जो डेटा है ये पूछा जाता है, और यही मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये याद रखिए कि जो इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें थ्योरिटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब लाइट रिफ्लेक्शन, मैंने आपको बताया कि भाई अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके आंखों पे पड़ी तो आपको ड्राइव करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो हमें ध्यान रखना है कि जो पेवमेंट है उसका सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब करे। बट अगर बिल्कुल ही लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो रात को ड्राइविंग में दिक्कत आएगी, रोड ही नहीं दिखेगी। तो वही बात है, ऑप्टिमम थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट करे, थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करे। सो विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट डिपेंड्स ऑन द लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेवमेंट सरफेस। रात के टाइम पे जब आप ड्राइव करते हो तो उस टाइम पर आपको विजिबिलिटी चाहिए, पेवमेंट का सरफेस डिसाइड करता है कि कितनी विजिबिलिटी मिलेगी। ए लाइट कलर्ड सरफेस, मतलब व्हाइट कलर की जो रोड्स हैं, गिव्स गुड विजिबिलिटी ड्यूरिंग नाइट्स बट कॉज ग्लेयर ड्यूरिंग डे टाइम, दिस कॉज स्ट्रेन टू द आई। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि अरे यार रात के टाइम है ना तो काली रोड बनाएंगे तो दिखेगी नहीं, बड़ी दिक्कत आएगी, व्हाइट बना देते हैं। तो आपने व्हाइट रोड बनाई अच्छा सोच के, तो रात को आपको ड्राइव करने में दिक्कत नहीं आ रही, रोड विजिबल है। बट दिन में क्या होगा, इस रोड पर जब सन की रेस पड़ेंगी तो ग्लेयर आएगा आंखों पर, होता नहीं ऐसे वो चौंध पड़ना जो कहते हो, और आपको चलाने में ड्राइव करने में बहुत दिक्कत आएगी। उसी तरीके से अगर आपने ब्लैक सरफेस रखा तो दिन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, रात को दिक्कत आएगी, आपको दिखेगा नहीं पेवमेंट अच्छे से। इसीलिए बेटा इंजीनियरिंग में ना कुछ भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, सब ऑप्टिमम है। पढ़ते हो ना सॉइल में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल की बेस्ट प्रॉपर्टीज चाहिए तो ना ज्यादा पानी होना चाहिए ना कम पानी होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। उसी तरीके से व्हाइट सड़क भी खराब है, ब्लैक सड़क भी खराब है, गो फॉर ग्रे। सो ब्लैक टॉप सरफेस हैज नो ग्लेयर ड्यूरिंग डे बट हैव पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। कंक्रीट रोड्स हैव बेटर विजिबिलिटी एंड लेस ग्लेयर। तो कंक्रीट की जो रोड्स होती हैं इनका ग्लेयर कम होता है और विजिबिलिटी भी नाइट टाइम में अच्छी होती है, बट कॉन्क्रीट से बनने वाली रोड्स कॉस्टली होती है। अगर पैसा है तो कॉन्क्रीट की रोड बनाइए, कुछ सोचना ही नहीं है। पैसा नहीं है then go for bitumen। हमारी कंट्री अभी भी एक डेवलप्ड नेशन नहीं है तो हमारे यहाँ bitumen की रोड ज्यादा है। ड्रेनेज, ये लास्ट पॉइंट है ठीक है पेवमेंट सर्फेस कैरेक्टरिस्टिक्स का। सो द पेवमेंट सर्फेस शुड बी एब्सोल्यूटली इम्परमिएबल टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर इन टू द पेवमेंट लेयर्स। जो भी आप सर्फेस सेलेक्ट करोगे पेवमेंट का, जो भी मटीरियल आप सेलेक्ट करोगे पेवमेंट बनाने के लिए, मेक श्योर पानी उसको भेद ना पाए, क्योंकि अगर पानी पेवमेंट के सरफेस से बहकर नीचे सॉइल में चला गया तो सॉइल की प्रॉपर्टीज खराब हो जाएंगी। तो मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ द पेवमेंट मटेरियल। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी को टिकने ही मत दो सरफेस पर, ड्रेनेज दे दो, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दे दो, फटाक से पानी बाहर निकालो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी पानी बाहर निकाल रहे हैं और कैम्बर भी पानी बाहर निकाल रहे हैं। सो द पेवमेंट सरफेस शुड शो रेजिस्टेंस टू द सीपेज ऑफ वाटर एंड दिस वाटर शुड बी क्विकली ड्रेन्ड ऑफ यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ द रोड। तो पानी को टिकने ही नहीं देना हमने सरफेस पर, मौका ही नहीं देना है पानी को, ले स्लोप एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसफर्स और हटा दो पानी को फटाक से। Oops, ये कहां चला गया। तो बेटा अभी हमने पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया।
ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये टॉपिक थ्योरिटिकल है, इसके नोट्स आपको अभी मिलेंगे, तो जस्ट रीड देम। इसमें मतलब सिंपल रीडिंग सफिशियंट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कल पहले शुरुआत के कुछ टाइम हम जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, जितना हमने पढ़ा है उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स थोड़ा सा याद करने वाला ही टॉपिक है। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो फिर न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उनमें एज सच याद नहीं रख रहे हैं, उनमें समझने वाला काम। तो बेटा नाउ आई टेक योर डाउट्स। अगर आपको डाउट्स हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा या जो कल हमने पढ़ा था, सो आई हैव ओपन द चैट। तो डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क। अभी डाउट्स नहीं है कि सर जस्ट पढ़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर डाउट्स पूछेंगे। तो यू कैन व्हाट्सएप। सर मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। हाँ जी, हाँ जी सर। आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप में से जो भी बच्चे अभी नए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं। विकास सर का नंबर है 6261507534, और एक नंबर और मैं आपको दे रहा हूँ, राकेश सर का नंबर है, राकेश सर का नंबर है 7828408168, है ना। इन दो नंबरों पे आप फोन करके बात कर सकते हैं, और इन दो नंबरों पे आप बात करके आपको जो भी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड डाउट है उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर आपकी क्वेरी फुलफिल नहीं होती है तो आप मुझे फिर फोन कर सकते हैं 862 इस नंबर पर। दूसरा अनाउंसमेंट आपका ये है कि सर ने वैसे आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपका जो कल का टाइम होगा आरसीसी की क्लास का, वो टाइम चेंज होगा, ठीक है। आपका अब वीकेंड्स में हमेशा टाइम चेंज रहेगा। वीकेंड की जो टाइमिंग रहेगी, वीकेंड का मतलब है सैटरडे एंड संडे, ये दो क्लासेस का टाइम आपका चेंज रहेगा। सर कितने बजे करना है, 12 बजे करना है, 1 बजे करना है? 12 सर 12। ओके, तो आपका जो टाइम रहेगा वो 12 PM रहेगा डेली, है ना। वीकेंड्स में अगर हम बात करेंगे तो सैटरडे और संडे को, तो कल की क्लास हमारी 12 बजे रहेगी। आज हमारा फ्री डेमो खत्म हो चुका है, तो जो भी बच्चे रजिस्टर नहीं है उन बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद वो थर्ड क्लास से एंट्री कर पाएंगे। और कल से हम लोग यूट्यूब पर लाइव नहीं जाएंगे, कल से हमारी लॉक्ड मीटिंग रहेगी, कल से हमारी क्लोज मीटिंग रहेगी। केवल जो पार्टिसिपेंट्स हमारी क्लास के अंदर होंगे केवल वही पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, इन नंबर्स पर आप पूछ सकते हैं। 3 नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं। चड्डा सर का नंबर आप लोगों के पास है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग चड्डा सर से बात कर सकते हैं, उन्हें कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, जिससे किसी को अनकंफर्टेबल ना हो, ऐसे टाइम पर आप उनको कभी भी व्हाट्सअप या कुछ भी अपना डाउट कर सकते हैं, तो आपका डाउट लेंगे। अगर किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, और अगर किसी को कुछ ऐसा डाउट है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो चड्डा सर से पूछ सकते हैं। एक चीज और कि आपकी जो आज की क्लास है एमपी जीके की, वो एजिटिज रहेगी, वो सेम टाइम पर रहेगी, शाम को 7 बजे, उसमें कोई चेंज नहीं है, है ना। आज की जो आपकी एमपी जीके की क्लास है वो एकदम सेम टाइम पर रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग अगर कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर रहा हूँ और आपका चैट भी ओपन कर रहा हूँ। बच्चों अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अब बेटा जैसे मान लो आप एक हाईवे बना रहे हो, ठीक है, अब आपने उसको बनाया सिर्फ 40 KMPH के लिए, ठीक है। मान लो आप जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर डिजाइन स्पीड आप बढ़ाते हो तो आपको फीचर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो अगर आप डिजाइन स्पीड घटाते हो तो फीचर्स की क्वालिटी या स्टैंडर्ड उस हिसाब से घट जाएगा, तो आपको एक डिजाइन स्पीड देनी पड़ेगी ताकि आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट रहे। नेशनल हाईवे पे अगर आप एक मिनिमम स्पीड नहीं दोगे, मान लो नेशनल हाईवे को आपने बना दिया सिर्फ 60 KMPH के लिए, जो वैसे 100 होना चाहिए या 85 होना चाहिए या 80 होना चाहिए, तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं हुआ। अब आपने 60 के हिसाब से अगर बना दिया नेशनल हाईवे, तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाएगी।
डिजाइन स्पीड का ज्यादा होने का एक मतलब ये भी आप बोल सकते हो कि ट्रैफिक करेक्टर या ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है। तो एक कम डिजाइन स्पीड अगर आप रखते हो, डिजाइन स्पीड को आप कम कर दोगे, तो आप मिनिमम स्टैंडर्ड फीचर्स जो देने हैं वो दे नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और इकोनॉमी को भी आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ज्यादा आप 85 के बजाय आप बढ़ाए जा रहे हो, मैंने जैसे बोला आप 100 के लिए अगर नहीं दे सकते, आपने दिया मिनिमम स्पीड के लिए, तो अब आप क्या कर रहे हो, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। 80 वाले रोड के लिए 100 की स्पीड का अगर आप हाईवे दे रहे हो तो क्या हो रहा है, आप ओवर यूज कर रहे हो। तो एक मिनिमम स्पीड से ज्यादा के लिए अगर आप बना रहे हो, मतलब रूलिंग से भी ज्यादा के लिए आप बना रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप सेक्शन को जितना स्पीड है उससे ज्यादा के लिए, जो स्पीड आनी ही नहीं है उसके लिए डिजाइन कर रहे हो। सो दिस में लीड टू अननेसेसरी यूसेज ऑफ द मटेरियल और द फिजिकल एलिमेंट्स। तो एक मिनिमम डिजाइन स्पीड भी रखिए और एक मैक्सिमम, इनके बीच में रखिए स्पीड को। कोशिश हमेशा की जाती है कि रूलिंग डिजाइन स्पीड दी जाए, जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम डिजाइन स्पीड होती है। एक सेकंड बेटा, जरा चैट खोल लूं मैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन भी कर सकते हो सर से, अगर आपको लिखने में अनकंफर्टेबल होता है तो आप लोग अनम्यूट कर दिए गए, अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा है कि अनइवननेस में उसकी, बेटा बम्प इंटीग्रेटर एक एपरेटस है, इस एपरेटस की हेल्प से आप अनइवननेस निकालते हो। इस एपरेटस का मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा अभी इन द सेंस कल, तो आपको एपरेटस देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑपरेट होता है। बट इसमें ये याद रखिए कि अनइवननेस बम्प इंटीग्रेटर से मेजर किया जाता है। 1500 mm तक की वैल्यूज को हम कंफर्टेबल या गुड बोलते हैं, इससे ज्यादा की वैल्यू 2400 तक सेटिस्फैक्ट्री, 3200 पे जाके अनकंफर्टेबल हो जाता है। और बच्चों कोई डाउट, अभी नोट्स भी आ जाएंगे ना, इनकी आप रीडिंग करोगे एक बारी तो क्लियर हो जाएगा। जो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, ये रिलेटिवली इजी है, ये मोर ऑफ अ थ्योरी है। इसमें क्या है, एक बारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अमन बेटा, जो बम्प इंटीग्रेटर है वो आपको पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर लेंथ में कितने बम्प्स हैं, उन सबका क्यूमुलेटिव सम देता है। जैसे कहीं पर 5 mm ऊपर चली गई रोड, कहीं पर 5 mm नीचे आ गई, क्या होता है ना, रोड के बीच में इस तरीके से आ जाते, कई बार ही देखा होगा आपने, अगर आप थोड़ी देर ट्रैवल करते हो तो सीधी रोड जा रही है, बीच में इस तरीके से ऊपर है, कमर पे कितना झटका लगता है उस टाइम पर। तो ये जो लेवल रोड से ऊपर और नीचे आप जा रहे हो, ये बड़ा नुकसानदायक है। तो बम्प इंटीग्रेटर क्यूमुलेटिव सम देता है, क्यूमुलेटिव मतलब सारी वैल्यूज को जोड़कर पर किलोमीटर लेंथ में कितने बम्प्स आ रहे हैं उनको बताता है। बात समझ आई बेटे अमन? और कोई डाउट किसी का, कोई नहीं? नहीं बेटा, अगर आप बम्प बढ़ने पर डिजाइन स्पीड बढ़ाते हो तो ये तो और अनकंफर्टेबल है। आप सोचो एक ऐसी जगह जहां पर ये ऊपर खापड़ है, अनइवन है, वहां पे तो डिजाइन स्पीड उल्टा आपको कम करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचो, जैसे स्पीड ब्रेकर बड़ा अच्छा एग्जांपल है बम्प्स का, स्पीड ब्रेकर को तो हम खुद दे रहे हैं, स्पीड ब्रेकर पे आप स्पीड बढ़ाते हो या घटाते हो, घटानी पड़ती है। स्पीड से बढ़ाओगे तो सोचो कमर पे कितना इफेक्ट पड़ता है, बाइक से हो तो बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है। तो बम्प्स जो है वो खराब है। अब कई बार आप देखो स्पीड ब्रेकर का एग्जाम्पल लेके चले, अगर बहुत खराब स्पीड ब्रेकर है, बड़ा ऊपर है, तो हमारा व्हीकल टकरा जाता है, बम्पर टकरा जाता है, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरीके से जब रोड में ऐसे बम्प्स आते हैं तो एक हद तक तो वो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, एक हद तक आप स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बम्प बहुत ज्यादा होंगे तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, और स्पीड कम अगर आपने कर दिया तो मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन खराब हो गया। ठीक है अंकित बेटे, समझ आई बात? ये बम्प्स को आप एक मान सकते हो, स्पीड ब्रेकर का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। तो बेटा अगर जैसे मान लो अभी एक बारी होता है कि सर रीडिंग कर लेंगे तो हमारे डाउट्स निकल आएंगे,
तो अभी आपके आईसीई की जो ऐप है उस पर नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, पढ़िए उन नोट्स को और कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछिए। देखिए बेटा, बुक की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो एक ही बुक है जो सबसे अच्छी मानी जाती है हाईवे इंजीनियरिंग की, एंड इट इज जस्टो एंड खन्ना। तो जस्टो खन्ना अगर आप पढ़ते हो, साथ में नोट्स को पढ़ते हो टीचर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, तो इट इज मोर देन सफिशियंट है ये। बुक्स में क्या होता है, कुछ ऐसा डेटा भी होता है जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो टीचर के नोट्स क्या करते हैं, उन अननेसेसरी डेटा को हटा देते हैं, तो आपको सिर्फ उतना डेटा ही पढ़ना होता है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बुक्स क्या करते हैं, वो ऐसे एग्जाम के लिए नहीं है, वो सारा डेटा दे देती है। तो आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, और साथ में नोट्स पढ़ो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सर सिटीज में रोड यूज में भी ड्रेन, अरे भैया कहाँ चला गया, एक मिनट बेटा एक मिनट रुको। बेटा शुभम, ड्रेनेज तो हर जगह देना चाहिए, ड्रेनेज अगर आप नहीं दोगे तो आपकी जो रोड है वो खराब हो जाएगी, तो चाहे हाईवे हो चाहे सिटी हो, हमेशा आपको ड्रेनेज देना है। निधि बेटा आप ट्राई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, अभी बट अभी हमने क्या है कि एक सब्सटेंशियल पार्ट नहीं पढ़ा है, अभी हमने एक लिमिटेड पार्ट पढ़ा है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है, उसके बाद जब साइड डिस्टेंस पर हम आएंगे तब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन मतलब आने शुरू हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप इन्हें कर सकते हो, बट अभी आपको कम क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास थी तो अभी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ है, ज्योमेट्री डिजाइन का पार्ट स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल या क्वेश्चन अभी नहीं दिखेंगे, कल से परसों से धीरे धीरे वो आपके आने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। जितने आए हैं क्वेश्चंस उनको कल मैं पहले क्वेश्चंस ही कराऊंगा आपको, कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम मूव करेंगे। और बच्चों कुछ, ठीक है, कल की क्लास याद रखिए, इट्स एट 12 PM। सो आई बिलीव सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। आपको थोड़ी देर में ही आपकी ऐप पर जो नोट्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे, तो पढ़िए ध्यान से, अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स के साथ जोड़िए। आप ये सोचिए जब आप अपना व्हीकल चलाते हो तो ये सब चीजें आपको दिखती हैं उस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम जब भी अपना व्हीकल चलाइए थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आसपास जो पढ़ाया गया था वो कैसे यूज किया जा रहा है, तो आपको सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है बच्चों, सो आई शुड साइन ऑफ नाउ, कल मिलेंगे, अच्छे से पढ़िए और डाउट्स हो तो बिल्कुल।